तो मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी या नहीं, इसे जानने का सबको अधिकार है। ज्ञानवापी का सच चाहे जो हो सामने आना चाहिए। मुस्लिम पक्ष हमेशा इस बात को खारिज करता रहता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि अनादि काल से हमारी आस्था के केंद्र रहे हमारे धर्म स्थलों को विदेशी आक्रांताओं ने तलवार के बल पर उजाड़ा था। आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का असली स्थान ज्ञानवापी ही था, जिसकी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में मौजूद नंदी का मुख सदियों से विद्यमान रहा है। ये तो रहे दावे। अब कोर्ट से ज्ञानवापी के सर्वे की मंजूरी मिल गई है। अगर एएसआई सर्वे होगा तभी तय होगा कि किसके दावे में दम है। देखा जाए तो एएसआई सर्वे पर ही ज्ञानवापी का भविष्य टिका है। और इस सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है? क्या राम मंदिर के रास्ते पर अब ज्ञानवापी है? आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। क्या राम मंदिर की राह पर है ज्ञानवापी मामला? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। ज्ञानवापी को लेकर हम आपको पूरा फैसला बताएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अयोध्या में क्या हुआ था। राम जन्मभूमि का मामला जब कोर्ट में चल रहा था तब राम जन्मभूमि के एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए थे। अयोध्या में भी एएसआई सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान मंदिर के सबूत मिले। धीरे धीरे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हुआ। अयोध्या में भी मलबे की जांच हुई थी। खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले थे। प्रतीक चिन्ह कोर्ट में पेश किए गए। इन्हीं सभी साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी कोर्ट के फैसले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सबसे बड़ा आधार बनी थी और अब ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। वॉल है वेस्टर्न वॉल के पीछे जो खाली जगह है वहाँ पे सर्वे किया जाएगा। नीचे जो खंबे हैं, पिलर्स हैं, व्यास जी का तहखाना है, जो जगह आर्टिफिशियल वॉल से बंद है उन सारी जगहों पे सर्वे करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट। ज्ञानवापी में वजू स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर यह आदेश दिया गया। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूलवाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेटिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है। हर आर्डर के विरुद्ध एग्री पर्सन को जो लीगल रेमेडी अवेल होती है अपील रिवीजन की, वो मुझे प्राप्त है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। माना जा रहा है कि ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से कई राज सामने आ सकते हैं। क्या वाकई यहाँ मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? एएसआई की रिपोर्ट से बहुत कुछ साफ हो जाएगा, जैसा कि राम मंदिर के मामले में हुआ था। और यही वजह है कि हिंदू पक्ष फैसले से खुश है और इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब वक्त है महाबहस के तीन राउंड के सवाल का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर एक, सवाल ये कि क्या राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी की बारी है? सभी पैनलिस्ट से पूछेंगे, जिस तरीके से राम मंदिर का पूरा मामला अपनी मंजिल तक पहुंचा उसके बाद अब क्या ज्ञानवापी की बारी है? सवाल नंबर दो, सर्वे बताएगा ज्ञानवापी में बाबा या फिर काबा। और सवाल यह भी पूछेंगे, अगर सब कुछ सही है तो फिर सर्वे से आखिर क्यों घबराना? सभी पैनलिस्ट से इस बात का जवाब लेंगे कि अपना दावा अपना पक्ष यदि मजबूत है तो फिर हो जाने दीजिए सर्वे। क्यों बार बार कोर्ट के माध्यम से पिटिशन लगाकर आप सर्वे को रोकने की कोशिश करते हैं? और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, नेता समाजवादी पार्टी। सीता साहू जी हैं जो कि वादी हैं हिंदू पक्ष की, श्रृंगार गौरी मामले में वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेहताब उस्मानी साहब है, मुस्लिम स्कॉलर। बीबी ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर हैं बीएचयू और साथ ही ट्रस्टी भी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर।
रुद्र विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करते हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी का। अनिला जी, अब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह कोर्ट से एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हुआ है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो अयोध्या मामला भी इसी तरीके से चला था। अयोध्या मामला अपनी मंजिल तक पहुंच गया, तो एक पक्ष उत्साहित है कि अब ज्ञानवापी भी उसी राह पर है। और बिल्कुल उत्साहित होना भी चाहिए। हर सनातनी का ये सपना होता है कि जो उनके आराध्य का स्थान है वो उनको वापस मिल जाए। हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, अपने आप में एक उदाहरण है और अनोखा उदाहरण है पूरे विश्व में कि यहाँ पे जो एक मेजॉरिटी आबादी है, जो सबसे बड़ी आबादी है हिंदुओं की, जो आबादी है निरंतर और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से उसको अपना संघर्ष करना पड़ता है कि जहां उनके इष्ट विराजमान रहते हैं और जहां पर बड़े बड़े मंदिर रहे हैं उनके हिंदू देवी देवताओं के, जो कि तोड़ दिए गए आक्रांताओं के द्वारा। ये देश का विभाजन जो है धर्म के आधार पर हो गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वहां पर भी मंदिर तोड़ दिए गए। यहाँ पर तोड़े हुए मंदिर जहां पर मस्जिदें बन गई थी, वैसे तो सम्मान पूर्वक मंदिर दोबारा वहां पर बन जाने चाहिए थे, मस्जिद हट जानी चाहिए थी, परंतु तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले सत्ताधारी सरकार ऐसी रही है यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मस्जिद बनी रहेगी, मंदिर जो टूटा था टूटा रहने दो, हिंदू कहाँ जाएंगे भाई, कोई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान थोड़ी ना है, कोई सनातनी रिपब्लिक ऑफ हिंदू थोड़ी ना जहाँ चले जाएंगे, तो रहना इनको यही है, कोई बात नहीं, हाँ चिंता मत करो, हमको वोट देते रहो। पर यह है कि कानून का राज हमारे देश में है, कानून में विश्वास सनातनी करता है, हिंदू करता है। जिस प्रकार से हमने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जीत हासिल करी, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि काशी मथुरा में भी हम जीत हासिल करेंगे। ठीक है, विनय कुमार जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बीच में। विनय कुमार जी, यहां पर कहा जा रहा है बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से कि लंबी लड़ाई हमने अयोध्या के लिए लड़ी थी, वो मंजिल हासिल हो गई, अब ज्ञानवापी की बारी है। पूर्व की सरकारों ने मामले को सिर्फ लटकाया और भटकाया। न्यायालय में है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, न्यायालय में है, न्यायालय में विचाराधीन है, जो निर्णय आएगा न्यायालय जो निर्णय करेगा उसको सभी लोग मानेंगे। लेकिन आज जो अनिला जी कह रही थी कि भारत की तस्वीर, भारत देश का मान और स्वाभिमान कहां चला जाता है, मान व स्वाभिमान जब नीतीश करोड़ों के राज के रास्ते पर चला जाता है। आज जहां पे एक महिला के अस्मिता का चूर भरा होता है तब नीतीश कल यहाँ के हुक्म। विनय कुमार जी, ज्ञानवापी पे डिबेट चल रही है, आरोप लगाए कि पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया, मामलों को सिर्फ लटकाया, चाहे वो अयोध्या का मामला था, लंबी लड़ाई लड़ी गई, अब राम मंदिर बन रहा है, अब कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी की बारी है। विनय कुमार जी, आप देखिए डिबेट को भटकाने की कोशिश मत करिए, वो भी ज्वलंत मुद्दा है, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी चर्चाएं की हैं, लेकिन फिलहाल जो पूछा जा रहा है उस विषय पर भी बोलिए। समय कीमती है, समय कीमती है, हर पैनलिस्ट अपने विचार रखना चाहता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपने अपनी बात कह ली, फिर भी आपने अपनी बात कह ली, मैं लौटूंगी। हमारे साथ सीता साहू जी जुड़ गई है, सीता साहू जी जुड़ गई है, वादी है हिंदू पक्ष की। ठीक है विनय कुमार जी, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ, लेकिन प्लीज आप डेकोरम मेंटेन रखिए, मैं आपसे कह रही हूँ आप खामोश हो जाइए, मैंने आपको पूरा मौका दिया और आगे भी सवाल करूंगी, तो उम्मीद है कि आप ज्ञानवापी पर जवाब देंगे। सीता साहू जी हमारे बीच में हिंदू पक्ष की वादी हैं। सीता साहू जी, आज आप लोग काफी उत्साहित नजर आए, आपने एक लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिल्कुल अयोध्या की तरह ही अब ये ज्ञानवापी का मामला उसी ट्रैक पर आ चुका है। एएसआई सर्वे ही आधार बना था अयोध्या का फैसला जब आया था, अब एएसआई सर्वे के आदेश हुए हैं, मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा था ये सर्वे हो। देखिए एएसआई बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आज बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ है और एएसआई इसलिए जरूरी है कि सत्य, मुस्लिम पक्ष इसलिए भाग रहा है, मुस्लिम पक्ष अगर साथ देना चाहता है तो क्यों नहीं होने देना चाह रहा है। हम लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि वो हमारा ज्ञानवापी मंदिर है,
मुस्लिम पक्ष इस बात को इनकार कर रहा है, वो कह रहा है नहीं तो एसआई सर्वे नहीं होगा, वैज्ञानिक पद्धति से अगर जांच उसकी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा और सत्य कैसे सामने आएगा। सत्य तो तभी सामने आएगा जब एसआई सर्वे होगा। हम लोगों ने ये मांग रखा कि वैज्ञानिक पद्धति से हो, राडार के, जिसमें कोई भी क्षति किसी भी चीज को ना हो जी। तो बिना क्षति किए, बिना कोई वैज्ञानिक पद्धति से, आधुनिकता में, आधुनिकता से जिस तरह से कोई भी क्षति न हो और सारी सच्चाई भी पता चल जाए, वो सच्चाई सामने आए। हम लोग तो कोई भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहे जिससे किसी को भी कोई हानि हो या नुकसान हो। हम लोग सत्य के साथ चल रहे और सत्य के साथ ही अपनी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, संविधान के लौटेंगे आपके पास। मेहताब उस्मानी जी को लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। मेहताब उस्मानी जी, यहां पर आप जिनको सुन रहे थे वो वादी हैं हिंदू पक्ष की, इस मामले से जुड़ी रही हैं और उनका कहना है हम किसी को हानि थोड़ी पहुंचा रहे हैं, कानूनन लड़ाई लड़ रहे हैं और वैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा तो सच कैसे सामने आएगा, एएसआई सर्वे से इतना परहेज क्यों? आवाज आ रही है मेहताब उस्मानी जी? लग रहा है फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, रुख उनका करेंगे, लेकिन रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। रुद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या अब और तेजी से फैसले की तरफ बढ़ेंगे या आप कहिए तो अब ये उस ट्रैक पर आ गया है जहां से नतीजे तक पहुंचने की दूरी जो है वो कम हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आज मांग ऑनरेबल कोर्ट ने स्वीकार करी उससे बिल्कुल जो इसका मुद्दा है वो एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा कि यहाँ पे क्या वाकई में जो पश्चिमी दीवारों पर जो श्रृंगार गौरी हैं या पंच मंडप है वहां पे, क्या वो वाकई में हिंदुओं का मंदिर ही था? जो इनके मसाने आलमगिरी, जो इनकी खुद की औरंगजेब की जीवनी की किताब है उसमें जो 18 अप्रैल 1669 में बात कही गई है कि इसको मंदिर को गिराने के लिए आदेश दिया गया था, उसमें मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया था, क्या वो जो किताब है वो सही है? क्या जो काशी टेम्पल एक्ट है जो कहता है कि जो 1930 1931 1932 रकबा है जो काशी विश्वनाथ का है और जो हमारे हिंदुओं में एक मान्यता है कि एक बार किसी मंदिर के लिए कोई भूमि दान कर दी गई या मंदिर के लिए भूमि स्थापित कर दी गई या कुछ भी भगवान को समर्पित कर दिया गया तो हम वापस नहीं लिया जाता, वो भगवान की हमेशा होती है। तो ये सारे वादे, सारे जो दावे हैं वो, ये दावे जो सर्वेक्षण होगा, ये सर्वेक्षण साफ साफ बिल्कुल कर देगा कि भाई जो जो 1993 तक श्रृंगार गौरी की वहां लगातार पूजा होती थी, क्यों पूजा होती थी, ये सारे दावे जो हमारे हैं उन दावों को एकदम बहुत बारीकी से ये जो एसआई सर्वेक्षण है वो एकदम पाक साफ कर देगा। ठीक है, मेहताब उस्मानी जी को लेकर आना चाहेंगे, कनेक्ट हो गए हमारे साथ। मेहताब जी, आपका क्या कहना है, यहां पर एएसआई सर्वे से भाग क्यों रहा है मुस्लिम पक्ष? लोग कह रहे हैं कि जिसकी जो आस्था या श्रद्धा है उसको तो वैज्ञानिक प्रमाण मिलेगा, एएसआई सर्वे तो होना चाहिए, अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ था, वही आधार बना था कोर्ट के फैसले का। देखिए ये आपको भी पता, हमें भी पता है कि इलेक्शन से पहले का एक राजनीतिक स्टंट है, ये सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। कब आक्रांत आए, कब उन्होंने मंदिर तोड़े, कब मस्जिद तोड़ी, किसी को क्या पता, ये तो सबकी अपनी मनगढ़ंत कहानी है। जो चीज बनी हुई है आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं इतने लग रहा है कनेक्शन चला गया है। सीता साहू जी जवाब देना चाहती हैं, बोले सीता जी। मैं कहना चाह रही हूँ कि बेबुनियाद बातें क्यों कर रहे हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास में एकदम लिखा हुआ है, खुद औरंगजेब का वो लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है जिसमें उसने आज्ञा दे रखी थी कि मंदिरों को तोड़ा जाए, वहां पे मस्जिदों का निर्माण किया जाए, फिर ऐसे बेबुनियाद बातें क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग तो कोई राजनीति खेल नहीं रहे, हम लोग तो बाकायदे न्यायालय में मांग किए हुए हैं, हम लोग अपना जो है संविधान के जरिए अपना न्यायालय में मांग कर रहे हैं, तो उसको राजनीतिक मुद्दा आप लोग स्वयं बना रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे हैं, आप लोग स्वयं राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आप लोग को स्वयं पता है कि वो क्या है, आप लोग भाई का भाईचारे का दुहाई देते हैं तो उसको निभाइए भी, आप लोग को तो स्वयं कहना चाहिए कि भैया होने दीजिए सर्वे, सच्चाई को सामने आने दीजिए। ठीक है सीता जी। रुद्र विक्रम सिंह जी, यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर को हम सुन रहे थे, वो खारिज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि आक्रमणकारी आए, उन्होंने मंदिर तोड़ा, उसका ना तो कोई प्रमाण है ना कोई गवाह है, ये तो लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कहानियां बना ली और ये प्योर राजनीति चल रही है।
जो लोग अभी तक ये नहीं मान पाए हैं कि पृथ्वी गोल है, अभी वो पृथ्वी चपटी मानते हैं, तो उनके लिए इन सारे साइंटिफिक चीजों को समझना और ये कोर्ट की प्रक्रिया समझना थोड़ा सा मुश्किल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन उनके लिए मैं बता दूं कि वो अपने ही, उनके औरंगजेब की जो किताब है बशाने आलमगीरी, उसको पढ़ लें। HM Milton की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने जो बनारस के बारे में लिखा है उसको पढ़ लें। जो 1936 में एक वाद दायर किया गया था, उस वाद में 15 गवाह आए थे, 15 गवाहों ने जो बात कही थी उसको पढ़ लें, कुछ पढ़ लिख लें, तो शायद उनको समझ में आ जाए कि इतिहास क्या कहता है और इतिहास इस शिव मंदिर के बारे में क्या कहता है, या फिर इतिहास उस काशी के बारे में क्या कहता है जो ये कहता है कि 5 कोस जो है भगवान शिव की नगरी है, उस जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, उसके 5 कोस तक भगवान शिव के अलावा, भगवान शिव के मंदिर के अलावा कुछ हो नहीं सकता, वो भगवान शिव का ही पूरा स्थल है। तो ये सारी बातें अगर ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग जानेंगे इतिहास, या हो सकता है जानबूझ के ये लोग नहीं कर रहे हो, तो ये अगर इसको समझेंगे बूझेंगे तो इनको सब समझ में आ जाएगा, और बाकी जो नहीं समझ में आएगा तो कोर्ट इनको जब समझा देगा, कोर्ट की जब कार्रवाइयां होंगी, जब ASI सर्वेक्षण होगा, साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, ना हमारा कोई ना हम कोई बात कह रहे हैं उसको मानेगा, ना ये लोग कोई बात कह रहे हैं वो मानेगा, ASI सर्वेक्षण होगा और उसमें साफ साफ बात पता चल जाएगी कि भाई कितना पुराना है, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, विनय कुमार जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बीच में, विनय कुमार जी बताइए ASI सर्वेक्षण होना चाहिए इस मामले में, जितनी जल्दी साइंटिफिक सबूत जुटाए जाएंगे उतनी जल्दी ये मामला अंजाम तक पहुंचेगा। भारत संविधान से चलता है, भारत में एक संविधान है जिस संविधान के तहत भारत देश चलता है, जिसमें सबके अधिकार सब सारी चीजें दी हुई, कानून भी उसी के हिसाब से चलता है, और आने वाले समय में न्यायालय में मामला लंबी थी है, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि यह सब राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में कहने के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो उसने युवा जो है इस तरह के राजनीतियों में इस तरह की बातों में देश को उलझाने का प्रयास कर रही है। और यह मामला बीजेपी को सीधे तौर पर घेर रहे हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब बताएगा विनय जी, विनय जी आप बीजेपी को घेर रहे हैं इस पूरे मामले पर, मेरी आवाज आ रही ना विनय जी, आप ठीक है बीजेपी को घेर रहे हैं इस मामले में, लेकिन मुझे बताइए कि बीजेपी तो इस मामले में कहां आती है, कहीं से कहीं क्या कोई बीजेपी का नेता वादी है इस मामले में, बीजेपी आग लगाने आती है, क्या कोई पार्टी है इस केस में बीजेपी या सरकार, ये मामला तो श्रृंगार गौरी पूजा से जुड़ी हुई महिलाएं लड़ रही है, और उसी उसी ग्रुप से जुड़ी हुई सीता साहू जी हमारे बीच में इस वक्त पैनल पर भी है। सीता साहू जी बताइए, आप लोगों की लड़ाई में बीजेपी का कोई वादी प्रतिवादी या केस से जुड़ा हुआ कोई शख्स जो सीधे तौर पर इस मुकदमे में शामिल हो, ऐसा कुछ है क्या? सरकार का कोई लेना देना है इस मामले मैं से? बता कानूनी लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ मैम कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हम लोग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हम लोग की लड़ाई है, सनातनियों की लड़ाई है, ये पूरे सिर्फ हमारी 4 महिलाओं की नहीं पूरे सनातनियों की लड़ाई है। हम लोग अपना जो मंदिर कभी तलवारों की नोक पे तोड़ा गया था, स्वयं जो बैठे भाई जो अभी सुना रहे थे पार्टियों जो कह रहे थे राजनीति के, वो स्वयं जानते होंगे कि हमारे मंदिरों को किस तरह ध्वस्त किया गया है, किस तरह हमारे मंदिरों को आपने आरोप लगाया है इसे ज्ञान वापी मसले को आप बीजेपी का एजेंडा कह रहे हैं, चुनावी एजेंडा कह रहे हैं, उस पर जवाब सुनिए। अब मणिपुर का जिक्र करके इस जवाब से मत बचिए आप। बिल्कुल है, मैं उसी के बारे में बात करूँ, मैं मणिपुर की बात करूंगी तो आप जो है वो पार्टी तोड़ने का जिक्र करेंगे, ऐसे नहीं होगा ना विनय जी, जो सवाल पूछा जा रहा है कम से कम उसको जवाब दीजिए। मैं इस देश की तो बात कर रहा हूँ, इन्होंने सारे सनातनियों का बात की बात की, हम सनातनी है बात कर रहे हैं, हम लोग का साथ देना चाहिए, क्या मणिपुर में सनातनी नहीं है, साथ देना चाहिए, क्या पूरे सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का जवाब आप नहीं दे पा रहे विनय कुमार जी? मैंने आपसे पूछा, आप मुस्लिम पक्ष को ASI सर्वे से एतराज है, मामले में ASI सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मामला उतनी जल्दी निपटेगा, साइंटिफिक सबूत जब सामने आएंगे तो मामला उतनी जल्दी अंजाम तक पहुंचेगा और ये लड़ाई भी खत्म होगी। आज देखिए अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हर तरफ शांति है, कोई दंगे हुए, कोई गुंडागर्दी हुई, कोर्ट से रास्ता निकला, ASI से रास्ता निकला, वही तो अब ज्ञानवापी मामले में हो रहा है, परेशानी क्या है? अभी से ढोल क्यों पीटना है इस तरह से? ढोल जहाँ पीटना है, जहाँ दर्द होना है, जहाँ दुख होना है, वहां पे हमें अभी देखना पड़ेगा।
अगर हम वास्तव में देशभक्त हैं, अगर हम राष्ट्रवादी हैं। चलिए, आप अपनी डपली अपना राग किए चले जा रहे हैं। मैंने आपसे एक नहीं दो नहीं कम से कम 6 बार वो सवाल पूछा जिसे आप टाल दे रहे हैं, मणिपुर की आड़ में आप टाल दे रहे हैं। अनिला सिंह जी, जी एक्चुअली होता क्या है ना, असल जब ज्ञान नहीं होता है, तथ्य नहीं होते हैं, तो इसी प्रकार की बातें होती है, शोर शराबा होता है, दूसरों को बोलने नहीं दिया जाता। अगर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना है कि धृतराष्ट्र का ज्ञान दिख रहा है, वो धृतराष्ट्र का ज्ञान दिख रहा है कौरवों के दरबार में, अहमद इनको शायद ये भी इनको ज्ञान नहीं होगा कि अगर हम ज्ञानव्यापी की बात करते हैं तो ज्ञानव्यापी का अर्थ होता है, सब ज्ञानव्यापी का अर्थ होता है ज्ञान का तारा, यानी ज्ञान का कुआ। मंदिर के दक्षिण व्यापी ज्ञान, मैं बोलूं क्या? जी जी बोलिए अनिला जी, आपकी आवाज जा रही है। असल जी क्या मैं बोलूं या मना किया? नहीं नहीं बोलिए, आपकी आवाज जा रही है अनिला जी, आपका जवाब सुन रहे हैं सब। जी मैं केवल इनसे ये कहना चाह रही हूँ कि भाई आप लोग ठीक है, मान लिया आप लोगों ने कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था, आपके नेता ने कहा था दोबारा फिर गोलियां मारनी पड़ी, गर्दन काटनी पड़ी तो हम काटेंगे, क्योंकि हमें संविधान की रक्षा करनी है। सारे संविधान के आर्टिकल्स कानून जो है वो हिंदुओं के लिए होते हैं, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले यहाँ पर जैसे प्रवक्ता साहब भी बैठे हुए हैं, ये केवल और केवल कहेंगे कि नहीं जी मस्जिद ही रहनी चाहिए, वहां पे तो मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। लिंग पुराण में इसका जिक्र मिलता है, स्कंद पुराण में इसका जिक्र मिलता है, ये दोनों पुराणों में ये है कि हिंदुओं से जुड़े हैं, तो मस्जिद का मस्जिद मतलब जब ये पुराणों में इसका नाम है तो मस्जिद का यहाँ पे क्या मतलब है भाई? द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है, नहीं ज्ञान है क्या इस चीज का इन लोगों को? ये स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, क्या ज्ञान नहीं है इनको? इसलिए आदिलिंग के रूप में अधिमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है, क्या ज्ञान नहीं है इनको इस चीज का? और इसका उल्लेख जो है महाभारत में भी है, और इसका उल्लेख जो है उपनिषद में भी किया है, क्या ज्ञान नहीं है इन लोगों को? हाँ ये बात जरूर है, शायद ये भी नहीं पता होगा कि हरिश्चंद्र जी ने इसको, राजा हरिश्चंद्र जी ने इसका जीर्णोद्धार किया था, ये भी नहीं पता होगा कि सम्राट विक्रमादित्य जी ने इसका जीर्णोद्धार किया था, और ये भी ये शायद पता होगा या नहीं होगा कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका था सलार, उसको बनारस विजय करने के लिए भेजा था और तोड़ दिए थे मंदिर, हजारों मंदिर तोड़ दिए गए थे, और इतिहासकारों के अनुसार विश्वनाथ मंदिर को जो 1194 में मोहम्मद गौरी के द्वारा तोड़ दिया गया था। ठीक है, नहीं है इतिहास, लेकिन एक बड़ा वर्ग देश का और कुछ विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन उस वर्ग को मिल रहा है, वो ये कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई आक्रमण नहीं हुआ था, यहां पर कोई धार्मिक स्थल नहीं था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, वो ये बार बार कहता है कि यहां पर मस्जिद ही थी। लेकिन सवाल ये आता है कि एक पक्ष यदि आस्था के आधार पर कुछ तथ्य आगे करता है तो दूसरा पक्ष केवल खारिज करने से बात बनेगी क्या? होने दीजिए एएसआई सर्वे, होने दीजिए साइंटिफिक सर्वे, आस्था को भी साइंटिफिक फैक्ट्स का साथ मिलेगा और सब कुछ साफ हो जाएगा कि वहां दरअसल क्या था या क्या है। फिलहाल मामला सब जुडिस